आने वाले समय में आईएएस और बहुत से राज्यों की पीसीएस परीक्षाएं होने वाली हैं। इन परीक्षाओं को ध्यान में रखकर मैं ज्योग्राफी विषय को मानचित्र के माध्यम से शुरू कर रहा हूं। आज शुरुआत विश्व भूगोल से होगी। एक तरह से हम पूरे विश्व को मानचित्र के माध्यम से समझेंगे। भूगोल में जितने भी अध्याय हो सकते हैं, चाहे वो देशों की सीमाएं हो, यानी जो विशुद्ध रूप से मैप हो, या फिर पर्वत पठार, नदी, है ना, कृषि, उद्योग, व्यापार वाणिज्य, परिवहन, विभिन्न देशों में रहन सहन के तरीके और उनके सांस्कृतिक क्रियाकलाप, इन सभी को हम मानचित्र के माध्यम से अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। विश्व में सबसे पहले एशिया से हम प्रारंभ करेंगे। सात महाद्वीप हैं, सातों महाद्वीपों पर बारी बारी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम एशिया महाद्वीप से शुरू करते हैं, ठीक है। पीछे मेरे विश्व का मानचित्र है, इसमें सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। बाकी महाद्वीपों के नाम आप जानते हैं, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए एक एक महाद्वीपों पर उंगली रख के दिखाने की तो कतई जरूरत नहीं होनी चाहिए। आइए हम एशिया महाद्वीप से शुरू करते हैं। अगर आप एशिया महाद्वीप के मैप को गौर से देखें तो आप पाएंगे कि एशिया और यूरोप को अलग अलग महाद्वीप क्यों कहा जाता है, इसका क्या रीजन है। एशिया और यूरोप को ही अलग अलग महाद्वीप तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। रूस में एक यूराल पर्वत है ना, यूराल पर्वत को आपने देखा होगा रूस में। यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप है और यूराल पर्वत के पूर्व में क्या है, एशिया है। तो यूरोप और एशिया कोई अलग अलग महाद्वीप नहीं है, ये एक ही महाद्वीप है, और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, यूरेशिया कहा जाता है। यानी यूरोप और एशिया अलग अलग महाद्वीपों पर स्थित नहीं है, कोई ये अलग अलग टुकड़ों पर स्थित नहीं है। जैसे जैसे आप देखते हैं उत्तरी अमेरिका अलग टुकड़े पर है, दक्षिणी अमेरिका अलग टुकड़े पर है, इस तरह से एशिया और यूरोप कोई अलग अलग महाद्वीप नहीं है, बल्कि यूरेशिया का ही सम्मिलित भाग है। यानी एक ही महाद्वीप पर दोनों बसे हुए हैं, यूरोप और एशिया। दोनों को राजनीतिक रूप से अलग करने के लिए, अच्छा दोनों को राजनीतिक रूप से अलग क्यों किया गया, क्योंकि प्रजाति अंतर है, इधर दूसरी प्रजाति रहती है, उधर दूसरी प्रजाति रहती है, इधर दूसरी संस्कृति रहती है और यूरोप में दूसरी संस्कृति रहती है। यानी यूराल पर्वत जो एक तरह से विभाजक रेखा है, किसके मध्य, एशिया और यूरोप के मध्य। तो एशिया और यूरोप को राजनीतिक रूप से विभाजित करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई। एशिया और यूरोप को हम पढ़ा रहे हैं आपको, एशिया दोनों को राजनीतिक रूप से विभाजित करने के लिए काल्पनिक रेखा खींची गई और मान लिया गया कि इस काल्पनिक रेखा के पूर्व में एशिया है और काल्पनिक रेखा के पश्चिम में यूरोप है। तो दोनों को राजनीतिक रूप से अलग करने के लिए एक काल्पनिक रेखा खींची गई, जो कि ये काल्पनिक रेखा यूराल पर्वत है ना, कैस्पियन सागर काला सागर और भूमध्य सागर। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर, ये कैस्पियन सागर है, ये काला सागर है, और काला सागर के बाद भूमध्य सागर से होकर एक काल्पनिक रेखा खींची गई, और इस रेखा के पश्चिम में यूरोप है और इस रेखा के पूर्व में एशिया है। यूराल पर्वत, सबसे पहले हमने यूराल पर्वत नाम लिया। यूराल पर्वत मुख्य रूप से रूस का एक पर्वत है। यूराल पर्वत का निर्माण तभी हुआ था जब एशिया और यूरोप आपस में टकरा गए थे। पहले एशिया और यूरोप वास्तव में अलग महाद्वीप थे, ठीक है, एशिया और यूरोप पहले अलग अलग महाद्वीप थे। आपने भूगर्भिक प्लेटों के बारे में पढ़ा होगा, मैं भी पढ़ाऊंगा। तो जो पृथ्वी का भूपटल है, छह प्लेटों के द्वारा बना हुआ है, छह बड़ी प्लेट और 20 छोटी प्लेटों से निर्मित है। हम जितने भी महाद्वीपीय और महासागरीय भाग देखते हैं ना, ये इन्हीं छह बड़े प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। पृथ्वी पर हम जितने भी महाद्वीप और महासागर देखते हैं, ये इन्हीं छह बड़े प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। क्लियर, सभी महाद्वीप और सभी महासागर। तो पहले ये अलग अलग प्लेटों पर थे, यानी प्लेटें स्थिर नहीं है, कुछ प्लेटों का निर्माण होता है, कुछ का विनाश होता रहता है, कुछ प्लेटें टूट जाती हैं और कुछ प्लेटें आपस में आकर जुड़ जाती हैं। तो यूरोप और एशिया वर्तमान में जिन प्लेट के ऊपर स्थित है, उस प्लेट को हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। इसलिए यूरोप और एशिया को सम्मिलित रूप से हम यूरेशिया कहते हैं। इन महाद्वीपों को हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, यूरेशिया कहते हैं। क्लियर,
तो जब दोनों महाद्वीप अलग अलग भूगर्भिक प्लेटों के ऊपर प्रवाहित थे, यूरोप और एशिया, ये दोनों महाद्वीप अलग अलग भूगर्भिक प्लेटों के ऊपर प्रवाहित थे। जब ये भूगर्भिक प्लेटें एक दूसरे के पास आईं, तो परिणाम स्वरूप यूरोप और एशिया महाद्वीप आपस में टकरा गए। दोनों के टकराने से दोनों का जो अग्रभाग था यानी किनारा था वो मुड़कर वलित हो गया। दोनों का किनारा मुड़कर वलित हो गया, तो इससे जो पर्वत बनते हैं उन पर्वतों को हम क्या कहते हैं? वलित पर्वत कहते हैं। तो दोनों के टकराने से अग्रभाग वलित हो गया तो यूराल पर्वत की रचना हुई। यानी यूराल पर्वत किस तरह का पर्वत है? एक तरह का वलित पर्वत है, यानी फोल्डेड माउंटेन है, यानी मोड़दार पर्वत है। तो दोनों महाद्वीपों के टकराने से यूराल पर्वत का निर्माण हो गया। यूराल पर्वत रूस का पर्वत है, मुख्य रूप से ये रूस में अवस्थित है। यूराल पर्वत, अब रूस एक विशाल देश है, आप दिखाई दे रहा है। यूराल पर्वत के पूर्व में जो रूस का भाग है, यूराल पर्वत के पूर्व में जो रूस का भाग है उसे हम क्या कहते हैं? साइबेरिया कहते हैं। और यूराल पर्वत के पश्चिम में जो रूस है उसको हम यूरोप के अंतर्गत मानते हैं। क्लियर? जो रूस की राजधानी जो मॉस्को है, रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप के अंतर्गत आती है। यहाँ पे रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप के अंतर्गत आती है, यानी रूस का भी कुछ हिस्सा यूरोप के अंतर्गत शामिल है। क्लियर? इसके अलावा ये जो काल्पनिक रेखा है उसके बाद कैस्पियन सागर से होकर गुजर रही है, फिर काला सागर से होकर गुजर रही है, उसके बाद तुर्की के कुछ हिस्से से भी होकर गुजर रही है। इसका मतलब है कि इस लाइन के पूर्व में जो तुर्की का भाग है वो एशिया का भाग है, और इस लाइन के पश्चिम में जो तुर्की का भाग है वो यूरोप का भाग है। यानी तुर्की भी एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप के अंतर्गत आता है। क्लियर? नॉर्मली विषुवत रेखा एक ऐसी रेखा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं विषुवत रेखा होकर गुजर रही है। विषुवत रेखा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया से होकर गुजरती है। आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, जीरो डिग्री अक्षांश भी कहते हैं विषुवत रेखा को। विषुवत रेखा को हम भूमध्य सागर, इक्वेटर या जीरो डिग्री अक्षांश कह सकते हैं। तो इक्वेटर तीन महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। लेकिन इसके बावजूद हम एशिया को उत्तरी गोलार्ध में स्थित देश कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो इक्वेटर है वो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। यानी इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अलग अलग गोलार्धों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। एशिया का जो ज्यादातर भाग है वो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है ना। हालांकि विषुवत रेखा एशिया के कुछ द्वीपों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा यानी पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में बांटने वाली विषुवत रेखा एशिया के दो द्वीपों से होकर गुजरती है। एक द्वीप तो है मालदीव। क्लियर? यहां पे हम मालदीव को दिखा सकते हैं। विषुवत रेखा एशिया के केवल दो द्वीपों से ही होकर गुजरती है। पहला द्वीप समूह है मालदीव और दूसरा द्वीप समूह है ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया। ठीक है? लेकिन इसके बावजूद चूंकि एशिया का ज्यादातर हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है इसलिए हम एशिया को उत्तरी गोलार्ध का देश कहते हैं। यह है आपका इक्वेटर। ये आप साफ साफ देख पा रहे हैं इक्वेटर एशिया के मुख्य भूमि से होकर नहीं गुजरता। जो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर है वो एशिया के दो ही द्वीपों से होकर गुजरता है, मालदीव और इंडोनेशिया। बस इसके अलावा किसी अन्य देश से होकर नहीं गुजरता। मालदीव भी एक अलग देश है और इंडोनेशिया एक अलग देश है। ऐसे तो इंडोनेशिया के अंतर्गत 13,000 द्वीप हैं। इंडोनेशिया में कुल 13,000 द्वीप हैं, 13,000 से भी अधिक। इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्लियर? इंडोनेशिया जो है, मालदीव तो एक छोटा सा द्वीप समूह है लेकिन इंडोनेशिया एशिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। क्लियर? इसके अंतर्गत कुल 13,000 से भी अधिक द्वीप हैं। लेकिन इसके बड़े द्वीपों में अगर हम देखें तो कौन कौन से प्रमुख हैं? सुमात्रा, जावा, बोर्नियो। आप कॉपी लेकर चीजों को लिखते रहिए, समझते रहिए, है ना। डेली आधा घंटा, 40 मिनट या एक घंटा मेरे साथ जुड़े रहिए। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, बाली, फ्लोरेस, तिमोर और
न्यू गिनी, ये द्वीप कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया के द्वीपों में से जो रेड कलर के जितने हिस्से आप दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ पे, ये रेड रेड आप जितने भी पिंक कलर के हिस्से दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया आपको दिखाई दे रहा है। अब अपने पास ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस के माध्यम से भी मानचित्र को सामने रखिए और इन चीज़ों को बहुत ही आसानी समझ सकते हैं। ये पूरे पिंक कलर का जो हिस्सा है, ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया है। तो इंडोनेशिया में 13,000 से भी ज़्यादा द्वीप हैं। इनमें से जो बड़े और प्रमुख द्वीप हैं वो है सुमात्रा, जो विषुवत रेखा है सुमात्रा से सबसे पहले होकर गुजरती है इंडोनेशिया में, ठीक है। सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, सुलावेसी, बाली, फ्लोरेस, तिमोर और न्यू गिनी, या न्यू गिनी लिखा हुआ अगर आप ध्यान से देखें तो। इतने द्वीपों, ये कुछ इंडोनेशिया के बड़े द्वीप हैं। लेकिन जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा इंडोनेशिया के केवल 4 द्वीपों से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा इंडोनेशिया के 4 द्वीपों से ही होकर गुजरती है, सभी द्वीपों से नहीं गुजरती। कौन कौन से द्वीप हैं? सुमात्रा, सुमात्रा के अलावा, सुमात्रा के बाद विषुवत रेखा आप ध्यान से देखिए बोर्नियो में जा रही है। बोर्नियो के बाद ये जो द्वीप, सुमात्रा, बोर्नियो, उसके बाद जो अगला द्वीप है आप ध्यान से देखें, ये है सुलावेसी। और सुलावेसी के बाद वो न्यू गिनिया से होकर गुजरती है, न्यू गिनी, क्लियर। 4 इंडोनेशिया के 4 द्वीपों से होकर विषुवत रेखा गुजरती है। कभी कभी सवाल पूछा जाता है या पूछा जा सकता है कि चूंकि हम देख रहे हैं कि विषुवत रेखा मालदीव से भी होकर गुजर रही है, इंडोनेशिया से भी होकर गुजर रही है, मालदीव की राजधानी क्या है? माले, और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। तो हमें ये भ्रम हो सकता है कि एशिया में विषुवत रेखा की सबसे समीप की राजधानी क्या है। मान लेते हैं आपसे सवाल पूछ दिया जाए कि विषुवत रेखा, एशिया की कौन सी राजधानी विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है, तो हमें भ्रम हो सकता है कि या तो माले होगा या फिर जकार्ता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए सवाल पूछा भी गया है पहले, सबसे एशिया की वो राजधानी जो विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक है वो है सिंगापुर, वो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे, ये सिंगापुर। क्योंकि इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता है वो सुमात्रा द्वीप पर ना होकर जावा द्वीप पर है, ये जावा द्वीप है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता यहाँ पर है, जावा द्वीप पर स्थित है, इसलिए विषुवत रेखा से काफ़ी दूर स्थित है ये। और जो मालदीव की राजधानी जो माले है वो भी विषुवत रेखा के उत्तर में थोड़ी दूर पर स्थित है, जबकि सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर वो विषुवत रेखा के सबसे नज़दीक स्थित है। इसलिए एशिया में विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी का नाम क्या है? सिंगापुर। हालांकि सिंगापुर नहीं मालदीव में है और नहीं इंडोनेशिया में है, सिंगापुर मलाया प्रायद्वीप पर है, ये मलाया प्रायद्वीप है। भारत के पूर्व में जितने भी द्वीपीय देश दिखाई दे रहे हैं उन सभी को हम दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं। भारत के पूर्व में और चीन के दक्षिण में, भारत के पूर्व में और चाइना के दक्षिण में जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं उन सभी को हम सम्मिलित रूप से दक्षिण पूर्वी एशिया का देश कहते हैं। आप लिखते जाइए सब कुछ, ऐसे ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। उदाहरण के लिए म्यांमार, दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं? दक्षिण पूर्वी एशिया में निम्नलिखित देश शामिल हैं, म्यांमार, म्यांमार के पूर्व में थाईलैंड, थाईलैंड के पूर्व में लाओस, लाओस के पूर्व में कंबोडिया और कंबोडिया के पूर्व में वियतनाम। ये जो पूरी बाहरी लाइन आप देख रहे हैं ना, बाहरी, ये पूरी बाहरी लाइन वियतनाम से निर्मित होती है। यानी दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं? भारत के पूर्व में म्यांमार है ना, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। उसके बाद आप देखिए तो जो आपका म्यांमार है पिंक कलर का, वो नीचे तक चला आया है, यहाँ तक चलाता है ना। म्यांमार के नीचे जो पीला हिस्सा दिखाई दे रहा है ये थाईलैंड का है, क्लियर। यानी थाईलैंड यहाँ तक चला है, ये पूरा हिस्सा थाईलैंड का है। थाईलैंड के नीचे जो हरे कलर का हिस्सा है इसे हम मलेशिया कहते हैं, और मलेशिया के दक्षिण में जो हिस्सा है उसे हम सिंगापुर कहते हैं। तो ये मलेशिया और सिंगापुर, ये दोनों देश मलाया प्रायद्वीप पर स्थित हैं। किस प्रायद्वीप पर?
एशिया में कुछ महत्वपूर्ण प्रायद्वीप हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो मलेशिया और सिंगापुर के जो देश हैं, ये दोनों मलाया प्रायद्वीप पर स्थित हैं। तो सिंगापुर मलाया प्रायद्वीप पर स्थित देश है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में कौन कौन से देश हैं, हम अभी गिना रहे थे। इसके अलावा मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, है ना, ये सब, और पूर्वी तिमोर, यहाँ पे पूर्वी तिमोर है, हम इसके बारे में स्पष्ट व्याख्या अभी थोड़ी देर में सब करेंगे। तो ये सभी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश कहलाते हैं। तो विषुवत रेखा के सबसे निकट स्थित राजधानी कौन सी है, वो मलाया प्रायद्वीप पर स्थित सिंगापुर सिटी है। क्लियर। तो इंडोनेशिया के हमने जितने भी द्वीप देखे, इनमें से इंडोनेशिया के द्वीपों में सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है बोर्नियो। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया के द्वीपों की बात कर रहा हूँ। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो पर तीन देश बसे हुए हैं। अगर आप ध्यान से बोर्नियो को देख पाएंगे तो आप दिखाई देगा, आप अपने सामने ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस रखिए, उसमें आपको दिखाई देगा कि बोर्नियो पर केवल इंडोनेशिया का अधिकार नहीं है, ये सुमात्रा है, ये जावा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता जावा द्वीप पर ही स्थित है। जावा के उत्तर में आपको बोर्नियो दिखाई दे रहा है। बोर्नियो द्वीप पर तीन देश बसे हुए हैं, कौन कौन से, इस पर तीन देश हैं। ये तो द्वीप है, बोर्नियो द्वीप है, इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर तीन देश बसे हुए हैं, कौन कौन से हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई। एक्चुअल में मलेशिया मलाया प्रायद्वीप पर है, आप हरे कलर का देख पा रहे हैं, है ना। म्यांमार पिंक कलर का नीचे तक आ गया, उसके बाद थाईलैंड येलो कलर में नीचे तक आ गया है, और येलो कलर के दक्षिण में आप मलाया प्रायद्वीप पर स्थित मलेशिया देख रहे हैं। तो मलेशिया मलाया प्रायद्वीप पर भी उसका अधिकार है, मलेशिया का राजनीतिक अधिकार, और बोर्नियो द्वीप पर भी मलेशिया का राजनीतिक अधिकार है। बोर्नियो द्वीप का जो पश्चिमी भाग आप देख रहे हैं, उत्तरी पश्चिमी भाग हरे कलर का, ये मलेशिया के राजनीतिक अधिकार में है। और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रे कलर का ऊपर स्पॉट दिखाई दे रहा होगा छोटा सा, वो ग्रे कलर का जो स्पॉट दिखाई दे रहा है वो ब्रुनेई है। यानी बोर्नियो पर तीन देशों का राजनीतिक अधिकार है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई। आप ब्रुनेई की राजधानी का नाम बताइए कमेंट करके कि ब्रुनेई की राजधानी क्या है। नेक्स्ट, इंडोनेशिया का जो सबसे पूर्वी द्वीप है उसे हम क्या कहते हैं, न्यू गिनी। इंडोनेशिया का सबसे जो पूर्वी द्वीप है उसे हम न्यू गिनी कहते हैं। क्लियर। लेकिन न्यू गिनी केवल इंडोनेशिया के अधिकार में नहीं है। इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी द्वीप क्या है, न्यू गिनी। न्यू गिनी इस पर दो देशों का अधिकार है, न्यू गिनी पर दो देशों का अधिकार है। मान लेते हैं ये हमने आधा आधा बांट दिया, ये क्या है, ये न्यू गिनी द्वीप है। तो न्यू गिनी द्वीप का जो पूर्वी भाग है उसे हम पापुआ न्यू गिनी कहते हैं, पापुआ न्यू गिनी। न्यू गिनी के पूर्वी भाग को हम पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। क्लियर। ये पापुआ न्यू गिनी है। और न्यू गिनी द्वीप के पश्चिमी भाग पर इरियन जया, आप ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में देखेंगे तो लिखा होगा इरियन जया, और न्यू गिनी द्वीप के पश्चिमी भाग पर इरियन जया नामक एक राज्य है, ये इंडोनेशिया का राज्य है। यानी न्यू गिनी इंडोनेशिया का सबसे पूर्वी द्वीप है, न्यू गिनी पर दो देशों का अधिकार है, न्यू गिनी द्वीप के पूर्वी भाग पर, पूर्वी आधे भाग पर पापुआ न्यू गिनी एक अलग देश बसा हुआ है। आप तो जो पापुआ न्यू गिनी जो अलग देश बसा है उसकी राजधानी क्या है ढूंढकर आप सब कुछ ढूंढ सकते हैं। अभी ये सब मैं अपने से बताऊं तो बच्चों वाली बात हो जाएगी। आप पापुआ न्यू गिनी की राजधानी का नाम कमेंट करके बताइए, ठीक है, यहीं पर है ऊपर, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी का नाम बताइए। तो न्यू गिनी के आधे पश्चिमी भाग पर इंडोनेशिया का अधिकार है, न्यू गिनी द्वीप के आधे पश्चिमी भाग पर इंडोनेशिया का जो राज्य अवस्थित है उस राज्य का नाम है इरियन जया, इसे हम पापुआ राज्य भी कहते हैं। इरियन जया को हम पापुआ राज्य भी कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, ग्रीनलैंड के बाद
दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, है ना। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के बाद न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो। बोर्नियो भी इंडोनेशिया का ही एक द्वीप है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। तो इंडोनेशिया का न्यू गिनी द्वीप ग्रीनलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। नेक्स्ट पॉइंट, दुनिया के चार सबसे बड़े द्वीप इस प्रकार हैं, ग्रीनलैंड, न्यू गिनी, बोर्नियो, मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है और हिंद महासागर में ही अफ्रीका के पास, यहाँ पर लिखा हुआ है मेडागास्कर, हिंद महासागर में अफ्रीका के पास ही मेडागास्कर द्वीप है जो कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। हालांकि समग्र रूप में मेडागास्कर का चौथा स्थान है, फोर्थ, ठीक है। जो न्यू गिनी द्वीप है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है। ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ब्लू कलर का हिस्सा, ये पश्चिमी प्रशांत महासागर है। अगर आप पूरा समुद्र का मैप खोलकर देख पाएंगे तो इसके पूरब में पूरा का पूरा ये वाला प्रशांत महासागर आपको दिखाई देगा। तो ये जितने द्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना, जापान फिलीपींस इंडोनेशिया, ये सभी के सभी द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर में है। तो न्यू गिनी द्वीप पश्चिमी प्रशांत महासागर का हिस्सा है और यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में अवस्थित है। यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी हिस्सा आपको येलो कलर से दिखाई दे रहा है। तो न्यू गिनी द्वीप ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी द्वीप के मध्य अराफुरा सागर है। इसका मतलब अराफुरा सागर हम लिख देते हैं अराफुरा सागर न्यू गिनी द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करता है। क्लियर, ये सब बातें आप लिखते हुए चले ताकि लिखेंगे बिना लिखे मैप को आप खोलेंगे तो नहीं समझ में आता है। मैप खुद से नहीं बोलता है, मैप हमको जवाब तभी देगा जब हम मैप की बातों को लिखे रहेंगे। तो मैप की बातों को आप जितने ही सुलझा कर लिख लेंगे तो मैप से आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे मैप आपको खुद बोलेगा कि हाँ इसका जवाब ये है। क्लियर, तो सभी बातों को आप लिखते रहिए। तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि चीन के दक्षिण में और भारत के पूर्व में जितने भी देश स्थित हैं इनको दक्षिण पूर्वी एशिया का देश कहते हैं। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के अंतर्गत जो देश आते हैं उनका नाम है म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, पूर्वी तिमोर, ये सभी दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं। तो दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश हैं वो राजनीतिक सांस्कृतिक रूप से खुद को अलग समझते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साम्राज्यवादी देश है चीन। साम्राज्यवादी चीन को भूमि की प्यास है, वो आसपास जितने भी क्षेत्र हैं सब पर राजनीतिक अधिकार का दावा करता है। उसका कहना है कि भूगर्भिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से ये सभी क्षेत्र चीन के हिस्से हैं। यही कारण है कि ये दक्षिणी चीन सागर है। यही कारण है कि चीन दक्षिणी चीन सागर के आसपास के सभी क्षेत्रों पर बारी बारी अपना दावा ठोकता चला जाता है। वियतनाम फिलहाल चीन से परेशान रहता है। दक्षिणी चीन सागर में वियतनाम के बहुत से द्वीप हैं छोटे छोटे, तो वियतनाम के बहुत से देशों द्वीपों पर, वियतनाम के जो द्वीप हैं दक्षिणी चीन सागर में, उन द्वीपों पर चीन अपना दावा करता है। उसका कहना है कि प्राचीन काल में इन द्वीपों पर चीन का अधिकार था। ऐसा भी नहीं है कि अगर यहाँ के देश किसी अपने एक द्वीप को दे देते हैं चाइना को तो चीन रुक जाएगा। वास्तव में चीन की एक रणनीति का हिस्सा है, चीन हमेशा एक कदम खुद को आगे रखता है रणनीतिक रूप से और दूसरे देश हमेशा खुद को पीछे रखते हैं। इसका कारण क्या है? चीन एक शक्तिशाली देश है। चीन का सामरिक शक्ति है, यानी युद्ध करने की शक्ति, वो दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत जैसे देशों से ज़्यादा है। चीन के जीडीपी का आकार ज़्यादा है। आजकल पैसा ही युद्ध की ताकत होती है। जिसके पास पैसा नहीं वो युद्ध नहीं लड़ सकता है, सिंपल सी बात है। तो चूंकि ये सभी देश चीन से पिछड़े हुए हैं राजनीतिक रूप से भी, सामरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, इसलिए चीन इन क्षेत्रों पर गुंडागिरी करता रहता है, इनके क्षेत्रों पर दावा करता रहता है। भारत के साथ भी वैसा ही करता है। तो इन देशों ने क्या किया कि 1967 में
दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने 1967 में परस्पर राजनीतिक आर्थिक सहयोग करने के लिए, आपस में राजनीतिक सहयोग करने के लिए, व्यापारिक आर्थिक सहयोग करने के लिए और साथ में सांस्कृतिक सहयोग करने के लिए कि हम एक बने रहेंगे, ये खुद को चीन से अलग मानते हैं। तो 1967 में दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों ने राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक सहयोग करने के लिए दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की स्थापना की। कब की? 1967 में की थी। आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? हिंदी में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन। इंग्लिश में क्या होगा फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान की स्थापना 1967 में हुई थी। इस समय आसियान में कुल 10 देश शामिल हैं। सूक्ष्म नजर डाल देना चाहिए एक बार कि आसियान में वो 10 देश कौन कौन से हैं और कौन से नहीं है, क्योंकि यहीं पे मानचित्र में घपला हो जाता है सारा। आसियान के जो 10 देश हैं वो आप अपने स्टूडेंट एटलस में भी देख सकते हैं। भारत के पूर्व म्यांमार से शुरू होते हैं आसियान के 10 देश। म्यांमार मैं क्रम से लिख रहा हूं ताकि आप मानचित्र में देख के समझ सकें। म्यांमार के पूर्व में क्या है? थाईलैंड। उसके पूर्व में क्या है? लाओस। लाओस के पूर्व में क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया के पूर्व में वियतनाम। थाईलैंड के दक्षिण में मलेशिया। मलेशिया के दक्षिण में सिंगापुर, इस तरह से याद कर लेंगे। सिंगापुर के दक्षिण में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पूर्व में पूर्वी तिमोर, सॉरी वन मिनट, पूर्वी तिमोर नहीं है, बता रहा हूँ कि पूर्वी तिमोर क्यों नहीं है। इंडोनेशिया और फिलीपींस। देखिए दस हुए क्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नौ ही हो रहे हैं। ब्रुनेई, बोर्नियो द्वीप पर एक छोटा सा हिस्सा है ब्रुनेई, है ना, वो एक देश है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो ब्रुनेई भी आसियान का सदस्य है। क्लियर? ये आसियान के सदस्य 10 देश। यहाँ पर इंडोनेशिया का एक द्वीप है तिमोर, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं अपने भी, इंडोनेशिया का एक देश है, सॉरी द्वीप है, द्वीप का नाम है तिमोर। तो तिमोर एक द्वीप का नाम है। इस द्वीप का जो पश्चिमी भाग है वो तो इंडोनेशिया के अधिकार में है, जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है ना, इंडोनेशिया के अधिकार में है। लेकिन द्वीप का जो पूर्वी भाग है वो पूर्वी तिमोर देश अलग है। जो पूर्वी तिमोर है वो तिमोर द्वीप के आधे पूर्वी भाग पर बसा हुआ है ना। और पूर्वी तिमोर की राजधानी क्या है? दिल्ली। हालांकि पूर्वी तिमोर की अवस्थिति दक्षिण पूर्वी एशिया में ही है, लेकिन पूर्वी तिमोर आसियान का सदस्य देश नहीं है। विषुवत रेखा पर हमने थोड़ा सा देखा कि एशिया के किन दो देशों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। क्लियर? कर्क रेखा तो आपने देखा ही होगा कि भारत के बीचों बीच होकर गुजरता है, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ पर लाइन खींचना चाहूंगा कर्क रेखा का। वन मिनट। कर्क रेखा एशिया में किन किन देशों से होकर गुजरता है? ध्यान दें, कर्क रेखा एशिया में सऊदी अरब, सऊदी अरब के बाद वो आता है संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, उसके बाद ओमान, ओमान के बाद भारत, भारत के बाद बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, फिर ताइवान। इतने देशों से गुजरता है कर्क रेखा। एशिया के 8 देशों से होकर गुजरती है। ये 8 देश कौन कौन से हैं? ये 8 देश हैं सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, भारत, बांग्लादेश,
म्यांमार, चीन और ताइवान, इन 8 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये एशिया के 8 देश हैं। सवाल ये भी उठ सकता है कि एशिया में कौन सी राजधानी कर्क रेखा के सबके पास है, सबसे पास है। ऐसे तो भारत में रांची भी कर्क रेखा पर स्थित है, भारत में रांची, लेकिन रांची भारत की राजधानी तो नहीं है ना, वो तो झारखंड की राजधानी है, स्टेट की राजधानी है, कंट्री की नहीं है। तो एशिया में किस देश की राजधानी कर्क रेखा के सबसे पास स्थित है? तो एशिया में ओमान की राजधानी जो मस्कट है, ये लिखा हुआ मस्कट, एशिया में ओमान की राजधानी मस्कट कर्क रेखा के सबसे समीप स्थित राजधानी है। मस्कट के बाद सबसे नज़दीक ढाका है और ढाका के बाद सबसे नज़दीक सऊदी अरब का रियाद है। एशिया में कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ स्थित राजधानी ओमान की राजधानी मस्कट, दूसरी सबसे समीप राजधानी ढाका और तीसरी सबसे समीप राजधानी सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। क्लियर। वास्तव में मानचित्र के लिहाज से अगर देखा जाए तो जो दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र है वो अध्ययन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ की कुछ नदियों को भी एक बार देख लेते हैं, कुछ सूक्ष्म दृष्टि डालते हैं कि कहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में 3 प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इरावदी, दूसरी है साल्विन और तीसरी है मिकांग। अगर मानचित्र में इनको हम थोड़ा सा लोकेट करें तो ये नदियां हैं दूसरी है और तीसरी है ये पश्चिम से पूरब की ओर। अगर हम देखें दक्षिण पूर्वी एशिया की तीनों प्रमुख नदियां तो पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार हैं, इरावदी, साल्विन, मिकांग। ये तीनों नदियों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चीन के तिब्बत पठार से निकलती हैं। दक्षिण पूर्वी एशिया की ये तीनों प्रमुख नदियां चीन के तिब्बत पठार से निकलती हैं, लेकिन इनका ज्यादातर जो प्रवाह का मार्ग है, अधिकतर प्रवाह का मार्ग चीन में ना होकर ये दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवाहित होती हैं, यानी निकलती है तिब्बत पठार से जबकि प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्वी एशिया में। चीन में ऐसी बहुत सी नदियां हैं जो कि चीन से निकलती हैं लेकिन प्रवाहित होती हैं दूसरे देशों में। आपको मेरा सुझाव रहेगा कि आप चीन की ऐसी नदियों की लिस्ट बना डालिए, चीन की ऐसी नदियों की लिस्ट बना डालिए जो निकल कर दूसरे देशों में प्रवाहित होती हैं और वो किन किन देशों से होकर गुजरती हैं। ये आपके लिए काफ़ी अच्छा डोज रहेगा, है ना। तो 3 प्रमुख नदियां हैं, ये तीनों तिब्बत पठार से निकलकर दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवाहित होती हैं। इनमें से पश्चिम की 2 नदियां यानी इरावदी और साल्विन नदियां म्यांमार में प्रवाहित होती हैं। ये दोनों नदियां म्यांमार में प्रवाहित होती हैं और ये अपना मुहाना अंडमान सागर में बनाती हैं। ये है अंडमान सी। क्लियर। इरावदी और साल्विन नदियां म्यांमार में प्रवाहित होती हैं और अंडमान सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। इनमें से जो इरावदी नदी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टि से भी म्यांमार की इरावदी नदी काफ़ी महत्वपूर्ण है। म्यांमार में 2 प्राचीन राजधानियां थीं, एक थी मांडले जिसमें बाल गंगाधर तिलक को बंग भंग आंदोलन की असफलता के बाद जेल भेज दिया गया था, 6 सालों के लिए भेजा गया था ना मांडले जेल में, तो वो म्यांमार की प्राचीन राजधानी थी। म्यांमार की प्राचीन राजधानी मांडले और दूसरी प्राचीन राजधानी रंगून जिसे अब यांगून कहा जाता है ना, तो ये दोनों प्राचीन राजधानियां इरावदी नदी के तट पर स्थित हैं और इरावदी नदी अंडमान सागर में अपना जल गिराती है। क्लियर। जबकि जो मिकांग नदी है, मिकांग नदी तिब्बत पठार से निकलती है और दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देशों से होकर प्रवाहित होती है। दक्षिण पूर्वी एशिया के 4 देशों से होकर प्रवाहित होती है। ये 4 देश कौन से हैं? लाओस 2, लाओस के बाद है थाईलैंड 3, कंबोडिया आप अपने मैप में भी देख सकते हैं और 4 वियतनाम।
इन चार देशों से क्रमशः होकर प्रवाहित होती है, मतलब क्रमशः सबसे पहले लाओस में प्रवेश करती है, चीन के बाद यानी तिब्बत पठार के बाद सबसे पहले लाओस में, फिर थाईलैंड में, फिर कंबोडिया में, फिर वियतनाम में अपना मुहाना बनाती है। वियतनाम में एक शहर है हो ची मिन्ह सिटी। जिस तरह से मुंबई में, भारत में मुंबई एक प्रमुख व्यापारिक शहर है, वाणिज्यिक शहर है, कमर्शियल सिटी है, उसी तरह से वियतनाम में सबसे बड़ा व्यापारिक शहर हो ची मिन्ह सिटी है। हो ची मिन्ह सिटी क्योंकि कोस्ट पर स्थित है, तो जो मेकांग नदी है वो इन चार देशों से बहते हुए वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के पास अपना मुहाना बनाती है। किस सिटी के पास? वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी के पास मुहाना बनाती है और दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है। ध्यान दें, इन तीनों नदियों में से इरावती और सालवीन म्यांमार में बहते हुए अंडमान सागर में अपना जल गिराती हैं, जबकि लाओस दक्षिण पूर्वी एशिया के चार देशों से बहते हुए दक्षिणी चीन सागर में अपना जल गिराती है। क्लियर? एक चीज़ और, अगर आपसे ये दक्षिणी चीन सागर में, हो ची मिन्ह सिटी के बाद ये दक्षिणी चीन सागर में गिर जाती है, ठीक है? पूरा का पूरा जो वियतनाम है ना, वियतनाम दक्षिणी चीन सागर के तट पर स्थित है। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाएगा कि मेकांग नदी कितने देशों से होकर प्रवाहित होती है, कुल कितने देशों से, अगली बात जो गौर करने लायक है वो ये है कि दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में अगर आप मैप में साफ सफाई से देखेंगे तो लाओस ही एकमात्र स्थलरूप देश है। दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में लाओस एकमात्र स्थलरुद्ध यानी लैंडलॉक्ड एकमात्र स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक कंट्री। इसके अलावा सभी देशों के पास तटरेखा है, चाहे वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, है ना, सिंगापुर, इन सभी देशों के पास अपनी तटरेखा है। लाओस एकमात्र स्थलरुद्ध देश है। इनमें से म्यांमार का तट किस सागर के तट पर है? अंडमान सागर। म्यांमार अंडमान सागर पर अपना तट बनाता है, जबकि ज़्यादातर देशों की तटरेखा किस सागर पर है? दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर, क्योंकि जो दक्षिणी चीन सागर है वो प्रशांत महासागर का ही एक हिस्सा है। दक्षिणी चीन सागर प्रशांत महासागर का ही एक भाग है। तो म्यांमार को छोड़कर बाकी सभी देश दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर पर अपना तट बनाते हैं, जबकि म्यांमार का तट अंडमान सागर पर स्थित है। क्लियर? दक्षिण पूर्वी एशिया के जितने भी देश हैं उन सभी देशों की राजधानी आप एक बार जरूर मेंशन करिए कमेंट में कि किस देश की राजधानी क्या है। उदाहरण के लिए म्यांमार की राजधानी का आप नाम बताइए, इसी तरह से आप कंबोडिया की राजधानी का नाम बताइए, है ना। अच्छा, कंबोडिया में एक स्थल है अंकोर वाट। अंकोर वाट इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि ये हिंदुओं का मंदिर है, एक हिंदू मंदिर है। सवाल पूछा जाता है कि कंबोडिया का जो अंकोर वाट मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? ये विष्णु को समर्पित है। क्लियर? विष्णु देवता को समर्पित है कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर। सभी देशों की राजधानियों का नाम मेंशन करिए। एशिया में सर्वाधिक देशों से सीमाएं बनाने वाले देश, अब टॉपिक पे आते हैं, ये दूसरा टॉपिक है। एशिया का कौन सा देश सबसे ज्यादा देशों से सीमाएं बनाता है? एशिया में दो ऐसे देश हैं जो सर्वाधिक देशों से सीमाएं बनाते हैं, चीन और रूस। ये दोनों देश सर्वाधिक 14 देशों से सीमाएं बनाते हैं, यानी चीन भी 14 देशों के साथ सीमा बनाता है, ठीक है, चीन भी 14 देशों से सीमा बनाता है और रूस भी 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। चीन जिन 14 देशों के साथ सीमा बनाता है उसे मेंशन कर लेते हैं। उत्तर कोरिया, आप मैप में देखकर लिख भी सकते हैं, उत्तर कोरिया, रूस, मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, नहीं ताजिकिस्तान पहले मेंशन कर लें। ये क्रम से है, एक तरफ से अगर आप चलेंगे तो इन देशों से मुलाकात होगी। किर्गिस्तान के बाद ताजिकिस्तान, फिर अफगानिस्तान के पूर्व में आते हैं तो पाकिस्तान,
पाकिस्तान के पूर्व में भारत, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार, लाओस, वियतनाम। चीन इन 14 देशों के साथ सीमाएं बनाता है, ये 14 देश हैं। रूस किन 14 देशों के साथ सीमाएं बनाता है? ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस में बहुत ही ध्यानपूर्वक देख के आप नीचे कमेंट करिए कि चीन किन देश सॉरी रूस किन 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट मैप देखते हुए अगर हम एक बार भूमध्य सागर तट की तरफ हम आते हैं, देखते हैं ध्यान से, एशिया का ऐसा कौन सा देश है जो भूमध्य सागर के तट पर बसा हुआ है? ध्यान से देखिए, ये आपका भूमध्य सागर, ये पूरा रूस के दक्षिण में कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर के पश्चिम में काला सागर, और काला सागर के पश्चिम में ये पूरा जो क्षेत्र है जल का, ये पूरा आप क्या देख रहे हैं? भूमध्य सागर। तो ये जो लाइन है ये तो ऐसे यहाँ से गुजरती है ना, जो काल्पनिक रेखा जो यूरोप और एशिया को विभाजित करती है वो कैस्पियन सागर होते हुए फिर काला सागर, काला सागर होते हुए तुर्की, और तुर्की होते हुए भूमध्य सागर चली जाती है। ये काल्पनिक रेखा लाइन जो यूरोप और एशिया को अलग करती है। तो एशिया का कौन सा देश भूमध्य सागर के कोस्ट पर स्थित है? आइए क्रम से देखते हैं। अब इस लाइन के पूरब का ही देश लेना है और भूमध्य सागर यहाँ है, भूमध्य सागर ये पूरा हिस्सा है। इस लाइन के पूरब में अगर लें तो सबसे उत्तर में है तुर्की। भूमध्य सागर के तट पर स्थित एशिया के देश सबसे उत्तर में है तुर्की। तुर्की के दक्षिण में जो देश है उसका नाम है सीरिया। सीरिया के दक्षिण में आप देखेंगे तो आपको लेबनान दिखाई देगा। क्लियर, मैं एक बार देख लेता हूं यहां से। तुर्की, तुर्की के दक्षिण में सीरिया, सीरिया के दक्षिण में आप लेबनान देखेंगे, है ना, बहुत छोटा है इसमें नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे लेबनान है। ये देखिए तुर्की, ये सीरिया, लेबनान बहुत छोटा सा देश है, यहाँ पे लेबनान नामक देश है। लेबनान के दक्षिण में आपको इसराइल दिखाई देगा, ये इसराइल है, और इसराइल के दक्षिण में आपको फिलिस्तीन दिखाई देगा। ठीक है, पांच देश हैं एशिया के, पांच देश भूमध्य सागर के तट पर स्थित हैं, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इसराइल और फिलिस्तीन। भूमध्य सागर के तट पर स्थित एशिया के पांच देश, पहला तुर्की, दूसरा सीरिया, तीसरा लेबनान, चौथा इसराइल, पांचवा फिलिस्तीन। इनकी राजधानियों पर भी एक बार गौर कर लेते हैं। तुर्की की राजधानी अंकारा, चूंकि मैप पढ़ रहे हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क। लेबनान की राजधानी का नाम आप बताइए, कमेंट करिए। इसराइल की राजधानी यरूशलम। फिलिस्तीन की राजधानी यरूशलम। हाल ही में फिलिस्तीन को कुछ साल पहले नए देश की मान्यता मिल गई। अभी तक कुछ वर्षों पहले तक फिलिस्तीन को नए देश की मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन जब इसे नए देश की मान्यता मिली तो यरूशलम को इसकी भी राजधानी मान लिया गया। इसमें से जो यरूशलम है एक बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से पवित्र शहर माना जाता है यरूशलम। यरूशलम को किसी एक धर्म में पवित्र नहीं माना जाता, बल्कि यरूशलम को तीन अलग अलग धर्मों में पवित्र शहर माना जाता है। ये तीन अलग अलग धर्म कौन से हैं? यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म। यहूदी धर्म का पवित्र स्थल क्यों है यरूशलम? क्योंकि जो पुराना जो यहूदी राज्य था, प्राचीन काल में यहूदी राज्य हुआ करता था, पुराने यहूदी राज्य की राजधानी थी यरूशलम। यहूदियों का एक पुराना सोलोमन टेम्पल हुआ करता था, सोलोमन मंदिर, वो भी यरूशलम में ही था। ईसाइयों में क्यों पवित्र माना जाता है? ईसाई धर्म में इसलिए पवित्र माना जाता है क्योंकि जो प्रभु जीसस थे, ईसा मसीह, उनकी कर्म भूमि थी यरूशलम। उन्होंने जो अपना कर्म किया जिसलिए वो दुनिया में फेमस हुए, वो कर्म क्षेत्र था यरूशलम। इस्लाम में यरूशलम को पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि माना जाता है कि हजरत मोहम्मद साहब यहीं से जन्नत गए थे। तो तीनों धर्मों में पवित्र माना जाता है। यरूशलम का अर्थ ही होता है पवित्र शहर। क्लियर, तो ये होगी राजधानी। लेबनान की राजधानी के नाम आप बताइए। इनमें से जो तुर्की की राजधानी अंकारा है ना,
तुर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है। आप मैप में देखेंगे, अगर फिजिकल मैप भी खोल सकें अपने सामने, राजनीतिक मैप भी होता है ना, पॉलिटिकल और फिजिकल। फिजिकल वाले में आप देखेंगे कि ये जो अंकारा है ये पूरा क्षेत्र एक पठार से भरा हुआ है, और उस पठार का नाम क्या है, अनातोलिया। तो अंकारा अनातोलिया पठार पर स्थित है, तुर्की में है अनातोलिया पठार। तो अंकारा अनातोलिया पठार पर स्थित है, और अंकारा का जो पुराना नाम था वो था अंगोरा। क्यों? क्योंकि सॉरी अंगोरा, अंगोरा में अंगोरा खरगोश और अंगोरा बकरी, अंगोरा बकरी भी अंगोरा होती है और खरगोश भी अंगोरा होता है, क्लियर। अंगोरा खरगोश और बकरी ऐतिहासिक रूप से पाले जाते रहे, तो इसका नाम अंगोरा था, बाद में नाम बदलकर तुर्की की राजधानी अंकारा कर दिया गया, नाम बदला गया। अब आइए हम अरब प्रायद्वीप को देखते हैं, ठीक है। एक तो आपने मलाया प्रायद्वीप देखा, मलाया प्रायद्वीप पर है ना मलेशिया है, सिंगापुर है। अब हम एशिया में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप को माना जाता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला मतलब वह भूखंड जो तीन तरफ से जल से घिरा हो। जैसे मलाया प्रायद्वीप को आपने देखा तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, अरब प्रायद्वीप ये है। अरब प्रायद्वीप आप ध्यान से देखेंगे तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर, क्लियर। फारस की खाड़ी, अरब सागर और लाल सागर, हम सागरों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। सब कुछ इसमें बारी बारी पढ़ा जाएगा अलग अलग एपिसोड्स के अंतर्गत। सागरों के बारे में पढ़ने में आपको और ज़्यादा आनंद आएगा, ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होगी, क्योंकि सागरों के बारे में जानने लायक ऐसा बहुत कुछ है जो आप शायद अभी तक नहीं जानते हों, और जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण साबित होगा। अरब प्रायद्वीप पर मुख्य रूप से छह देश स्थित हैं। आप ध्यान से देखिए एटलस में, सऊदी अरब ये है, सऊदी अरब की पश्चिम में लाल सागर है ये, और सऊदी अरब के पूर्व में क्या है, फारस की खाड़ी है, क्लियर। तो और फारस की खाड़ी के पूर्व में क्या है, ओमान की खाड़ी। सऊदी अरब के पश्चिम में लाल सागर, सऊदी अरब, उसके पूर्व में फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी के पूर्व में यहाँ पे क्या है, ओमान की खाड़ी, और ये पूरा क्या है, अरब सागर। तो जो अरब प्रायद्वीप है वो मुख्य रूप से छह देशों से बसा हुआ है, इस पर छह देश हैं। सऊदी अरब आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पे बहरीन है, बहरीन के बाद कतर है, कतर के बाद यूएई, ओमान, यमन। कौन कौन से छह देश अरब प्रायद्वीप पर मुख्य देश स्थित हैं, ये है सऊदी अरब, दूसरा बहरीन, तीसरा कतर, चौथा ओमान, सॉरी चलिए ओमान ही ले लेते हैं, पांचवा यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, छठा यमन। इन सभी की राजधानियों के नाम आप बता दीजिए कमेंट में, कमेंट में आप प्लीज इन सभी अरब प्रायद्वीप पर स्थित इन छह देशों की राजधानियों का नाम बता दीजिए। इनमें से मैं बता दूं कि यूएई की राजधानी क्या है, अबू धाबी। अबू धाबी किस सागर के तट पर स्थित है, यहाँ पे यूएई है, ये जो ग्रे कलर का हिस्सा देख रहे हैं ना, ये यूएई है, और इसकी राजधानी अबू धाबी यहाँ पे है। पूछा जाएगा अबू धाबी किस सागर के तट पर स्थित है, अबू धाबी फारस की खाड़ी तट पर स्थित है, सॉरी फारस की खाड़ी तट पर स्थित है। फारस की खाड़ी तट पर स्थित यूएई के अन्य प्रमुख शहर कौन से हैं, संयुक्त अरब अमीरात के और कौन से प्रमुख शहर हैं जो फारस की खाड़ी तट पर स्थित हैं, एक तो है दुबई और दूसरा है शरजा। शरजा में क्रिकेट मैच हमेशा होते रहते हैं, दुबई में भी होते हैं है ना, अबू धाबी में भी होते हैं। तो अबू धाबी, दुबई और शरजा यूएई के प्रमुख शहर हैं जो कि फारस की खाड़ी के तट पर स्थित हैं। आप सऊदी अरब, बहरीन, कतर, ओमान और यमन की राजधानियों के नाम बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि क्या इन राजधानियों में से कोई किसी समुद्र के तट पर स्थित है, ये अपने नोट में लिखिए। हमने यूएई के बारे में बता दिया कि राजधानी अबू धाबी है, फारस की खाड़ी के तट पर स्थित है। अबू धाबी के अलावा दो अन्य शहर हैं संयुक्त अरब अमीरात के जो फारस की खाड़ी तट पर स्थित हैं, वह है दुबई और शरजा। आप इन देशों की राजधानियों का नाम बताइए या अपनी कॉपी में लिखिए, और साथ में ये भी आप बताएंगे कि क्या इनमें से कोई किसी समुद्र के तट पर स्थित है, इसका कोई शहर या इसकी कोई राजधानी, क्लियर।
अब हम एशिया के पूर्व में एक द्वीपों की श्रृंखला दिखाई दे रही है, इन पर दृष्टिपात करते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से। जिस तरह से इंडोनेशिया को आपने समझा, उसी तरह इन द्वीपों की श्रृंखलाओं को देख लेते हैं। इंडोनेशिया के उत्तर में जो द्वीप की श्रृंखला है वो है फिलीपींस, ये है। फिलीपींस के उत्तर में द्वीप की श्रृंखला जापान है। जापान के उत्तर में फिलीप द्वीपों की जो श्रृंखला उसे हम क्यूराइल कहते हैं। यह क्या है? फिलीपींस। फिलीपींस के उत्तर में जो द्वीप की श्रृंखला है इसे हम कहते हैं जापान। जापान के उत्तर में जो द्वीप की श्रृंखला यहां पर दिखाई देती है उसे हम कहते हैं क्यूराइल। तो वास्तव में पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। एशिया महाद्वीप की मुख्य भूमि के पूरब में पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, जो कि अलेशियन द्वीप, क्योंकि आप अलास्का के पश्चिम में द्वीपों की श्रृंखला यहाँ पे दिखाई देती है ना, अलास्का के पश्चिम में भाई प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की पूरब में कौन सा देश है? अमेरिका। अमेरिका का पश्चिमी भाग यहाँ पे क्या है? ऐसे ऐसे होता है ना ऐसे, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये मान लेते हैं अमेरिका है ना, तो इसका पश्चिमी भाग ये क्या है? अलास्का कहते हैं। अलास्का के पश्चिम यहाँ पे द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, तो इसे हम कहते हैं अलेशियन द्वीप समूह। तो पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में लगातार द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। उदाहरण के लिए अलेशियन द्वीप समूह के दक्षिण में, अलेशियन द्वीप समूह के बाद क्यूराइल द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, और उसके बाद न्यू गिनियन द्वीप समूह। उसके बाद क्या है? गिनिया द्वीप समूह। पश्चिमी प्रशांत महासागर में द्वीपों की एक श्रृंखला दिखाई देती है, उदाहरण के लिए अलेशियन द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह और गिनिया द्वीप समूह। तो वास्तव में इन द्वीपों का निर्माण, उदाहरण के लिए जापान और फिलीपींस जैसे द्वीप समूहों का निर्माण कैसे हुआ? कहाँ से ये द्वीप आ गए? ये क्यों इतने छितराए हुए क्यों? इतने बिखरे हुए क्यों? क्या दिक्कत है यहाँ पे? हमने बताया कि भूगर्भिक एक टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक थियरी है। पृथ्वी की भूगर्भिक हलचल को समझने के लिए पृथ्वी के गर्भ में क्या कुछ घटित हो रहा है और उसके चलते बाहर जो स्थलाकृतियाँ निर्माण हो रही हैं उसको समझने के लिए एक थ्योरी गढ़ी गई। वो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक, जैसे बोल रहा हूँ ऐसे लिखिएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार जो पृथ्वी का जो संपूर्ण पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी का जो संपूर्ण जो बाहरी आवरण है वो 6 बड़े प्लेटों में विभाजित है और 20 छोटी प्लेटों में। पृथ्वी पर जो 7 महाद्वीप और 5 महासागरीय भाग हैं, 7 महाद्वीपीय भाग और 5 महासागरीय भाग, ये सभी इन छोटे बड़े प्लेटों के ऊपर स्थित हैं। इन 6 प्लेटों का नाम है, हम पहले भी बता चुके हैं। आप चूंकि मानचित्र समझा रहे हैं इसलिए वहां पे हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, आप इतना लिख लीजिए जिससे कि समझ सकें। इन 6 बड़ी प्लेटों, प्लेट टेक्टोनिक थियरी के अनुसार इन 6 भूगर्भिक प्लेटों का नाम इस प्रकार है: पैसिफिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। क्लिक, ये 6 प्लेटें हैं। इनमें से जो सबसे बड़ी प्लेट है वो पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट के ऊपर ही पूरा प्रशांत महासागर स्थित है। प्लेटें भूगर्भिक होती हैं, यानी धरती से थोड़ा नीचे जाने पर होती है। महाद्वीपीय भाग प्लेटों के ऊपर स्थित है। तो पैसिफिक ओशन के नीचे जो प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट। अब पूरा पैसिफिक प्लेट के ऊपर प्रशांत महासागर स्थित है और पूरा का पूरा जो एशिया महाद्वीप है वो यूरेशियन प्लेट के ऊपर स्थित है। ये दोनों दुनिया की 2 सबसे बड़ी प्लेटें हैं, पैसिफिक प्लेट और यूरेशियन प्लेट। ये सबसे बड़ी भूगर्भिक प्लेटें हैं और पश्चिमी प्रशांत महासागर में लगातार इन दोनों प्लेटों के मध्य टकराव हो रहा है, अभिसरण हो रहा है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया हो रही है, टकराव की क्रिया हो रही है। तो पैसिफिक प्लेट अधिक घनत्व वाला है, यूरेशियन प्लेट कम घनत्व वाला है। इसके परिणामस्वरूप पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के, जब दोनों प्लेटें टकराई तो पैसिफिक प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे छिपित हो गया। परिणामस्वरूप यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग मुड़कर वलित हो गया। जब यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग मुड़कर वलित हो गया तो, क्योंकि ये टकराव की क्रिया कहाँ हो रही थी? समुद्र में हो रही थी। तो जब यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग, मतलब अगला भाग मुड़कर वलित हो गया तो उसका जो मलबा था, चट्टानी भाग, वो मुड़कर
वलित हो गया और सागर सतह से ऊपर चलाया। जब वो सागर सतह से ऊपर जगह जगह पे चलाया तो इस तरह से द्वीपों की श्रृंखलाओं का निर्माण हो गया। उदाहरण के लिए अलेशियन द्वीप, क्यूराइल द्वीप, जापान द्वीप, फिलीपींस द्वीप। यूरेशियन प्लेट का अग्रभाग जब वलित हुआ तो सागर सतह से ऊपर उठ गया। यही कारण है कि पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक के बाद एक द्वीपों की श्रृंखलाएं हमें दिखाई देती हैं। क्योंकि जहां पर प्लेटों के मध्य रगड़ होता है वहां पर ज्वालामुखी और भूकंप की लगातार घटनाएं होती हैं। क्योंकि जहां पर भी दो प्लेटों के मध्य अभिसरण की क्रिया होती है वहां पर भूकंप और ज्वालामुखी की घटनाएं लगातार प्रत्येक वर्ष घटित होती रहती हैं। पूरे पश्चिमी प्रशांत महासागर में अलास्का के पश्चिम में स्थित अलेशियन द्वीप समूह से लेकर क्यूराइल द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह और गिनियन द्वीप समूह तक प्रत्येक साल ज्वालामुखी और भूकंप की सैकड़ों घटनाएं संपन्न होती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा भूकंप की घटना जापान में घटित होती है। जापान में ज्वालामुखी के कई शिखर भी स्थित हैं, जैसे उदाहरण के लिए फ्यूजियामा। इसी तरह फिलीपींस में भी भूकंप आते हैं और बहुत से ज्वालामुखी पर्वत स्थित हैं। फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी पर्वतों का नाम क्या है? माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटिबो। ये सभी फिलीपींस में स्थित ज्वालामुखी पर्वत हैं। ठीक है, तो इस प्रक्रिया से जापान और फिलीपींस द्वीपों का निर्माण हुआ है। चूंकि पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्लेटों के मध्य रगड़ की क्रिया हो रही है इसलिए भूकंप आता है और भूकंप का केंद्र इन्हीं द्वीपों के आसपास कहीं रहता है। और चूंकि यह भूकंप की घटना महासागरीय क्षेत्र में संपन्न हो रही है इसलिए यहाँ पर सुनामी की काफ़ी विशाल लहरें उठती हैं। भूकंप की जब आता है तो धरती हिल जाती है, तो जल तो तरल है वो तो हिलेगा ही, तो परिणाम स्वरूप यहाँ पर लहरें उठ जाती हैं। लहरें उठकर इन द्वीपों की तरफ बढ़ जाती हैं। आगे अगर आपको सुनामी का कहर देखना हो तो आप यूट्यूब पर लिख दीजिए जापान सुनामी 2011। आप YouTube पे टाइप करिए जापान सुनामी 2011। आप तीन चार वीडियो सजेशन में आएंगे, उन्हें देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि जापान सुनामी से किस तरह परेशान रहता है। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, अब हम थोड़ा सा फिर से मानचित्र पर आते हैं। अभी मैंने भूगर्भिक प्लेटों के बारे में और भूगर्भिक प्लेटों से जोड़कर इन द्वीपों के निर्माण के बारे में और यहाँ पर जो हलचलें हो रही हैं भूकंप और ज्वालामुखी की उसके बारे में जो कुछ बताया उसे आप रिपीट करके लिख लेंगे, छोड़िएगा मत, बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, वास्तव में, अच्छा एक चीज़ और उसमें जोड़ दीजिए, वास्तव में जो प्रशांत महासागर का जो दोनों तट है, ये तो प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है और प्रशांत महासागर का पूर्वी तट कहाँ है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पास है। तो प्रशांत महासागर के दोनों तटों पर अभिसरण की क्रिया हो रही है। अभिसरण मतलब टकराव की क्रिया। पश्चिमी प्रशांत महासागर में पैसिफिक प्लेट किससे टकरा रहा है? यूरेशियन प्लेट से। पैसिफिक प्लेट पश्चिमी प्रशांत महासागर में यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, जबकि पूर्वी प्रशांत महासागर में पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट है, पूरा का पूरा प्रशांत महासागर पैसिफिक प्लेट के ऊपर स्थित है। तो पूर्वी प्रशांत महासागर में पैसिफिक प्लेट अमेरिकन प्लेटों से टकरा रही है। जो पैसिफिक प्लेट है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और पूर्वी प्रशांत महासागर में अमेरिकन प्लेटों से टकरा रही है। परिणाम स्वरूप प्रशांत महासागर के पश्चिमी और पूर्वी दोनों तटों पर ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाएं लगातार होती रहती हैं। इसीलिए चूंकि पैसिफिक प्रशांत महासागर का तट गोल गोल है ना, ऐसे गोल गोल है, तो इसलिए इसे हम, इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं, अग्निवलय के नाम से जानते हैं। तो प्रशांत महासागर का अग्निवलय, इसे तात्पर्य क्या है? प्रशांत महासागर के अग्निवलय से तात्पर्य किन घटनाओं से है? ज्वालामुखी और भूकंप से है, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में ज्वालामुखी और भूकंप उठता रहता है। फिर से मानचित्र पर लौटते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जापान, लेकिन जापान से पहले यह रूस का, हमने कुछ प्रायद्वीपों के बारे में पढ़ा, जैसे मलाया प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप, अब तीसरा प्रायद्वीप हेडिंग डाल दीजिए कमचटका प्रायद्वीप। अभी तक जो बताया उसे लिख लीजिएगा, अब अगला हेडिंग डालिए कमचटका प्रायद्वीप। रूस का जो सबसे पूर्वी भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है उसे हम कमचटका प्रायद्वीप कहते हैं। यानी रूस का प्रायद्वीप है। कमचटका प्रायद्वीप से लेकर जापान तक छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला दिखाई देती है। आपको ध्यान से देखेंगे तो दिखाई देगा ऐसे डॉट के रूप में, ऐसे ऐसे दिखाई देगा, ऐसे ऐसे, है ना। तो कमचटका प्रायद्वीप से लेकर जापान तक द्वीपों की श्रृंखला दिखाई देती है जिसे क्यूराइल द्वीप समूह कहते हैं।
ठीक है, क्यूराइल द्वीप समूह रूस का ही भाग है, किसी अन्य देश के कब्जे में नहीं है, क्योंकि इसका कलर आप इसमें भी पिंक कलर का देख सकते हैं। क्यूराइल द्वीप समूह रूस का ही भाग है। क्यूराइल द्वीप समूह के पश्चिम में ओखोटस्क सागर है। कौन सा सागर है? क्यूराइल द्वीप समूह के पश्चिम में ओखोटस्क, ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर पूर्व में कमचटका प्रायद्वीप, क्यूराइल द्वीप समूह और जापान के होकाइडो, ये जापान का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो होकाइडो, तो पूरा का पूरा जो ओखोटस्क सागर है वो कमचटका प्रायद्वीप, क्यूराइल द्वीप समूह और जापान के होकाइडो द्वीपों से घिरा हुआ है। ओखोटस्क सागर में सबसे बड़ा द्वीप है सखालीन। ओखोटस्क सागर में एक द्वीप बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सखालीन। सखालीन द्वीप पर रूस का ही राजनीतिक अधिकार है। क्लियर। जापान क्यूराइल द्वीप समूह के दक्षिण में जापान स्थित है। जापान में तो ऐसे सैकड़ों द्वीप हैं, छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप हैं, छोटे बड़े, लेकिन जापान मुख्य रूप से चार बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है। इसका सबसे उत्तरी द्वीप है, इसका नाम है होकाइडो। होकाइडो के दक्षिण में दूसरा जो द्वीप है वो है होन्शु। तीसरा जो द्वीप दिखाई दे रहा है ये शिकोकु और चौथा है क्यूशु। होकाइडो सबसे बड़ा द्वीप है जापान का। राजधानी होन्शु, होकाइडो सबसे उत्तरी द्वीप है। सबसे उत्तरी द्वीप है होन्शु, सबसे बड़ा है। राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर ही है। जापान का सबसे, मैं होन्शु के बारे में बता रहा हूं, जापान का सबसे ऊंचा बिंदु, सबसे ऊंचा शिखर माउंट फूजी और ज्वालामुखी शिखर माउंट फ्यूजियामा। सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, राजधानी टोक्यो भी होन्शु द्वीप पर है। जापान का सबसे ऊंचा बिंदु माउंट फ्यूजी और माउंट फ्यूजियामा ज्वालामुखी पर्वत, ये सभी होन्शु द्वीप पर हैं। शिकोकु पर हिरोशिमा शहर है और क्यूशु पर नागासाकी शहर है। शिकोकु पर हिरोशिमा और क्यूशु पर नागासाकी। होन्शु पर एक और महत्वपूर्ण चीज है, ओसाका। जापान का सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र, जापान का सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र जापान के होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। जापान के दक्षिण में ध्यान से देखेंगे तो फिलीपींस द्वीप समूह है। यहाँ पे जापान के दक्षिण में ये आपका फिलीपींस द्वीप समूह, इसको हम रेड कलर से दिखा दें। ये पूरा का पूरा हिस्सा एक तरह से फिलीपींस द्वीप समूह का दायरा दिखा रहा हूँ। फिलीपींस में तो ऐसे बहुत से द्वीप हैं, लेकिन तीन यहाँ पे प्रमुख द्वीप हैं। पहला है लुजोन। फिलीपींस में तीन प्रमुख द्वीप हैं, लुजोन, मिंडानाओ और तीसरा है समर। राजधानी मनीला लुजोन द्वीप पर है, ठीक है। मिंडानाओ द्वीप के पूर्व में एक ट्रेंच है, ट्रेंच को ऐसे उल्टा दिखाया जाता है ओशन में, है ना। जब आप मैप में एटलस में देखेंगे तो ट्रेंच को ऐसे, पर्वत शिखर को ऐसा दिखाया जाता है ना, पर्वत शिखर को ऐसा दिखाया जाता है और ट्रेंच को उल्टा दिखाया जाता है। तो मिंडानाओ द्वीप के पूर्व में एक समुद्र में प्रशांत महासागर में गर्त है, इसका नाम मिंडानाओ गर्त है, ठीक है। अगर मिंडानाओ गर्त और ये फिलीपींस है, फिलीपींस द्वीपों के पूर्व में यहाँ पर फिलीपींस द्वीपों के पूर्व में थोड़ा उत्तर में जाके कैरोलाइन आइलैंड है, कैरोलाइन द्वीप समूह। फिलीपींस के पूर्व में कैरोलाइन द्वीप समूह है। कैरोलाइन द्वीप समूह के पास ही मेरियाना ट्रेंच है। यह धरती पर सबसे गहरा महासागरीय खड्ड है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे गहरा स्थल है, पृथ्वी पर इससे गहरा स्थल नहीं है मेरियाना ट्रेंच। मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय खड्ड है। इसकी गहराई है 11,033 मीटर, ठीक है। ये एशिया का एक पहलू आपने देखा। अभी एशिया में पढ़ने के लिए बहुत कुछ है,
तो बारी बारी सातों महाद्वीपों पर विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। आप डेली जुड़े रहिए। मानचित्र खत्म करने के बाद फिर बाकी पहलुओं पर भी चर्चा होगी। अपना सुझाव आप जरूर दीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।